आज हमारे साथ हैदराबाद की मशहूर शख्सियत स्पोर्ट्स पर्सन ईसा मिश्री साहब हमारे साथ आज मौजूद है। हैदराबाद में कुछ दो रोज से एक खलबली मची हुई है कि ईसा मिश्री बॉडी बिल्डर एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले, तो आज हम उनसे खुसूसी बात करते हैं कि ऐसी क्या वजूहत है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन एक पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ईसा भाई, ये एकदम सडनली आप बॉडी बिल्डिंग चलते चलते एकदम आप पॉलिटिकल में एक आप अपना कदम जमाना चाह रहे हैं, इस ऐसी क्या वजूहत है जो आप एकदम सडनली पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं? मैं पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई ख़ास वजूहत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी वजह नहीं है। अगर मैं सोचा सुबह मदनी की तरह मेरी भी सोच है, अगर मैं देखा कि भाई मेरे को कुछ भी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरी अपना रोटी रोज़ी कमा रहा हूँ, मैं खुश हूँ मेरी ज़िंदगी में, फिर मैं एक इंसान जो मेरे अंदर का जो इंसान है वो, और जो मेरे अंदर एक रोज़ाना जो इंसानियत को नुकसान पहुंच रहा, चाहे वो कोई कम्युनिटी का हो, हिंदू मुस्लिम, वो जो नुकसान पहुंच रहा मेरे, मैं क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुआ हूं, फेसबुक वॉच करता हूं, व्हाट्सअप वॉच करता हूं, कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे हिट स्पीचेस आ रहे हैं जिससे मजहब को लेके खास करके पॉलिटिशियंस सिर्फ मजहब पे वोट मांगा जा रहा, जिससे हर कम्युनिटी को नुकसान पहुँचने वाला है। आज हम सोच रहे हैं कि भाई हमको क्या लेना देना है, भाई उन्हें बोल ले रहा, इन्हों बोल ले रहा, नहीं, मैं एक आवाज़ मेरे दिल के अंदर, अल्लाह ताला ने एक दर्द मेरे अंदर है और अल्लाह की तरफ से मुझे एक अहलाम बोलते हैं जैसे कि मेरे अंदर एक आया, और क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन बैकग्राउंड नहीं रखता, ना मेरा कभी कोई पॉलिटिशियन से लेना देना है, क्योंकि मैं हमेशा एक आम जिंदगी जिया, अपना स्पोर्ट्स के सिवा दूसरा कोई चीज़ नहीं किया, मगर ऑल ऑफ सडन ये जो इतनी जहर फैल रहा है एक दूसरे के दिलों में, जैसे जो हिंदू है मुस्लिम है, भाई ये कब तक, ये अगर हम सब, मैं भी सोचते पीछे खामोश रहा कई साल महीनों से सालों से चलते चले आ रहा, मगर मैं एक आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ, सबकी आवाज़ है ये, इंडियंस की आवाज़ है, हिंदुस्तानी की आवाज़ है, ना हिंदू की, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना ईसाई की, ये एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है। हर मजहब को, जो भी मजहब के नाम पे वोट मांगेगा, आवाम से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो उसे वोट मत दे, चाहे वो कोई मजहब का हो, आवाम ये सोच ले कि अगर ये हमारे मजहब के बारे में बात करके वोट मांग रहा तो उसे वोट ना दे, अगर वो डेवलपमेंट के नाम पे अगर वोट मांग रहा और वो डेवलपमेंट कर रहा तो उसे दिल से वोट दे और उसके पैसे भी बचाएं और वो खुद भी पैसे खर्च नहीं करेगा अगर आवाम दिल से वोट देगी। आप चाहे तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, जैसा कि आपके पुराने शहर में MIM पार्टी है, BJP है, कांग्रेस है, MBT है, तो आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करके आप अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करना, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? क्या आप 2019 में आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर मेरी ये आवाज़, क्योंकि अभी एक साल का वक्त बाकी है, मेरी ये आवाज़ उठाते रहूँगा, अगर आवाम इस आवाज़ को इंडिया के लेवल पे अगर समझेगी कि भाई हाँ वाकई आज जो ये पॉलिटिशियन जो हमारे को बेवकूफ़ बना रहे, चाहे वो कोई भी मजहब के हो, मैं कोई पार्टी को तनकीद नहीं करूँगा कि कौन सी पार्टी अच्छी स्पीच दे रही, कौन सी पार्टी बुरी स्पीच दे रही, जो गलत स्पीच देगा, जो भी गलत स्पीच देगा, जैसे वो कोई पार्टी का हो, वो जो है अवाम उसको बायकॉट करना चाहिए, बायकॉट अवाम के हाथ में है, अवाम है जो सबकी बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत अवाम है, अवाम अगर बायकॉट कर देगी कि भाई हमें इस, ये हमें हिट स्पीचेस नहीं चाहिए और मजहब पे हम वोट नहीं देंगे, उस दिन ये पॉलिटिशियन खुद डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो आप 2019 में कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस करेंगे? अभी क्योंकि मैं इसके अंदर मैं, मुझे कई कमेंट्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है तुम्हें ABCD नहीं आती पॉलिटिक्स की, तो वाकई में ABCD सीखना है, अभी मुझे नहीं आती है पॉलिटिक्स की ABCD, और ना मैं इसके अंदर कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ, मैं अभी छोटा दूध पीता हुआ बच्चा हूँ, मैं चलना सीखूंगा, भागना सीखूंगा, उसके बाद ही इसके अंदर कोई जो आगे के मेरे प्रोग्राम्स हैं मैं उसका ऐलान करूँगा, मगर मेरी आवाज़ बराबर उठाते रहूँगा, हिट स्पीचेस बंद होना चाहिए, मजहब पे वोट बंद होना चाहिए, और जो आवाम के ऊपर जो वोटिंग के दौरान जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके फिर उन्हीं से उसाल वसूला जा रहा है, ये आवाम समझे, आवाम जागे आज, अगर मैं जाग के आगे आया हूँ, हो सकता है मुझे नुकसान हो या फायदा हो, मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है इसमें, मैं कोई पॉलिटिकल स्टैंड करके जो है कोई मुझे MLA MP हो ये कुछ बनना नहीं है, मगर मैं ये आवाज़ पूरे इंडिया में उठाना चाह रहा हूँ और मेरे साथ यूथ जुड़ेगा और यूथ जुड़ रहा जुड़ते रहेगा, हिंदू मुस्लिम एकता हमारी बराबर, हम चाहे वो टाइम लगेगा, आज मैं बोलूंगा कल से जो है सब पूरे ठीक है, ईसा मिश्री बोल दिए हम लोग पूरे एक हो गए, नहीं एक ईसा मिश्री बोलेंगा तो कल साई बोलेंगे, कई कल जो है सुरेंद्र सिंह बोलेंगे, कल सब एक एक आदमी उठेगा तो मेरे साथ वो ताकत बनेगी, कम से कम इलेक्शन में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहते हुए सोचेगा एक बार मैक पकड़ के, अगर मैं मजहब पे वोट मांगू
तो कहीं आवाम मेरे से खिलाफ ना हो जाए। ऐसे ऐसे बात तो हमारे मेगा स्टार चिरंजीवी भी कर चुके हैं कि वो भी पॉलिटिक्स में खत्म रखे थे, वो भी बोले थे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं आवाम के लिए करूंगा, बट वो एकदम सडनली कांग्रेस में जंप हो गए। तो फ्यूचर में आप भी मेरे और चिरंजीवी के कॉन्सेप्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। चिरंजीवी क्या किए वो मुझे आई डोंट नो, नहीं मालूम मेरे को, मगर मेरा जो ये आवाज है मेरी अपनी सेल्फ दिल की आवाज है। मैं कोई पॉलिटिशियन से कोई ट्रेनिंग लेके आके यहाँ पे जो है आपके सामने माइक नहीं पकड़ रहा। फ्यूचर में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलग होंगे या कुछ ऐसे वजूहत हो जाएंगे या ऐसा आपके ऊपर प्रेशर होगा आप पार्टी बंद कर देंगे या पार्टी फिर आप किसी से अलायंस हो जाएंगे? अगर वैसी नौबत आएंगी किसी के अंदर अलायंस होना या कोई पार्टी में ज्वाइन होना तो मैं मेरी आवाज को बंद कर दूंगा। और उस दिन मुझे, मैं क्लियर कह रहा हूं आवाम से, उस दिन बोलना कि ईसा मिश्री वाकई में कोई पॉलिटिकल स्टंट्स करके कोई पार्टी में ज्वाइन होना चाह रहा था, इस वजह से ये मुद्दा उठाया और इसका इरादा साफ नेक नहीं था। और उस दिन मुझे अल्लाह भी पकड़ लेगा और मैं खुद लोगों की नजरों में जलील हो जाऊंगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में मैं ज्वाइन होकर ये मुद्दे को छोड़ दूंगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहती है कि ईसा मिश्री का मुद्दा सही है, हेट स्पीच तो ईसा भाई जमाने से चलते रहे हैं, चाहे हर पार्टी हेट स्पीच देती है जब, तो इस बार इस ये टाइम पे आप ये क्यों सोचे कि हेट स्पीच ज्यादा हो रहे हैं? हेट स्पीच तो जमाने से चलते आ रहे हैं जी, तो इस बार आपको ये ख्याल क्यों आया? तो इस बार आप पार्टी क्यों ऐसा पार्टी में ऐसा इंटरेस्ट आ गया आपका पार्टी पॉलिटिकल? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। हेट स्पीचेस जैसे आपने कहा हमेशा से चलते आ रही है। हेट स्पीचेस की एक लिमिट थी, एक दूसरे को बोलने की भी एक लिमिट थी, वो लिमिट चेंज हो चुकी है। आप कई वीडियोस देख रहे हैं कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं रह रही है, सिर्फ मजहब के नाम पे इंसान को काट दिया जा रहा, जला दिया जा रहा। ये काम कभी भी नहीं हुआ, अगर हुए फिसादात भी हुए, कुछ वजूहत से होते थे कि भाई किसी कोई जुलूस जा रहा, उस पर कोई पथराव हुआ, उससे थोड़ी देर कुछ उससे कुछ आगे पीछे होकर मामला जहाँ का वहाँ थम जाता था, मगर ये मामला थम नहीं रहा है। ये रोजाना इसके अंदर आप देखेंगे कि बढ़ते जा रही है ये आग। ये आग इतनी बढ़ जाएगी कि ये खुद जो पॉलिटिशियंस आज जो आग भड़का रहे वो लोग भी बुझा नहीं सकेंगे। जब ये बुझा नहीं सकेंगे तो वो आग मत भड़काएं, आज रोकना है उन्हें। ऐसा नहीं है कि वो जैसे चाहे वो भड़काते जाए, लड़ेंगे। मैं आपको सामने बताया ना, अभी वक्त है उसके लिए बराबर। अगर हमारी ये आवाम अगर हमारे को पसंद करेंगी और ये हमारी आवाज में दम रहेगा तो बराबर आवाम खुद हमें आगे से कहेगी कि आप सामने ठहरो, हम जिताएंगे, हम बिना पैसे खर्च करेंगे हम आवाम के सामने आएंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे। अभी जैसा हैदराबाद में जो माहौल चल रहा है कि 2019 के इलेक्शन में चंदन गुट्टे की सीट के लिए काफी गर्माहट देखी जा रही है, तो अगर आप चाहें तो क्या चंदन गुट्टे से इलेक्शन लड़ेंगे क्या? मेरी आवाज कोई चंद्रयान गुट्टा या हैदराबाद और सिटी के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। आपके नेशनल चैनल्स बताना चाहिए मेरी आवाज को, आवाम के अंदर एक उजागर होना चाहिए कि भाई मैं जो कह रहा हूँ ये दिल की आवाज है। कोई मुझे सीट या मुझे कोई चंद्रयान गुट्टा चारमीनार या कोई, मैं बराबर इलेक्शन में आने की इस वजह से बोल रहा हूँ कि जो चीज में आदमी, मिसाल के तौर पर एक एनजीओ आए मेरे पास, वो लोग बोले हम पॉलिटिकल बेस पे हम कोई काम नहीं करेंगे, हम जो है पॉलिटिकल के खिलाफ काम करेंगे। तो मेरा बच्चा उसका जवाब इस तरीके के दिया कि एक पॉलिटिकल जो आदमी रहता, जो पावर में रहता, उसके अंदर बंदूक रहती, तुम लकड़ी लेके पॉलिटिकल से तुम कैसा लड़ेंगे? तो मैं भी जो है वो जो बंदूक वाले हैं उनके साथ जुड़ के काम करना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे पास अगर ताकत रही तो मैं आवाम का सपोर्ट करूंगा, उनको हक बात बताऊंगा, चाहे वो मुझे एक वोट भी ना दे, मगर मेरी ये बात अगर समझ में आई तो वो आगे आएंगे। आज मुझे ये बहुत खुशी हुई जान के कि इतने सारे लोग मुझसे जुड़ेंगे, मैं कभी नहीं सोचा था। और ये जुड़ने से मेरे को कोई खुशी इस वजह से नहीं हो रही, और जुड़ना है, ये इतिहाद तक जुड़ना है। हम जैसे हिंदू मुस्लिम इतिहाद जो चाह रहे वो इतिहाद तक जुड़ना है, और ये आपको हम पानी डालने का काम अब शुरू करे हैं। अब हिंदुस्तान से कौन कौन आवाम ये मेरी आवाज के साथ आवाज लगाता है, मैं उसकी आवाज के साथ जुड़ूंगा, वो मेरी आवाज के साथ जुड़ेगा, इसका कुछ आवाम को जरूर फायदा पहुंचेगा। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो लॉन्च होने वाली है, ये कब तक लॉन्च होगी पार्टी, और पार्टी का क्या नाम रहेगा, और आपकी पार्टी से कौन कौन जुड़ सकता है? कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी भी के वर्कर्स भी आपके साथ जुड़ सकते हैं? जी 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 बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी मैं बच्चा हूँ, अभी जर्रा मेरे को चलने और बात करने आया, तो कौन कौन जुड़ रहे क्या है वो उसका भी मैं ऐलान करूंगा। और जैसा दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे जाएंगे, वो मेरे को पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। मेरा मकसद है हेट स्पीचेस और मजहब पे वोट बंद होना, और जो बेजा खर्चा हो रहा करोड़ों रुपए वो बंद होना। आप अगर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आवाम से मैं ख्वाहिश करता हूं कि उन्हें वोट ही मत डालें। जो सादगी से आके आपसे वोट मांगे उसे वोट डालें, और जो मजहब पे वोट मांगेगा उसको वोट खताए मत दें, ताकि तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर एक जहती बनी रहे। शुक्रिया ईसा भाई हमारे से बात करने के लिए।